तो आपको एक चीज है कि आज हम अपना छोटा लड़का से मिलाने वाले हैं। और ये देखिए सागर साथ में लाया है ये मोबाइल, ये दोस्तों S22 Ultra। मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टाटा तो आए हुए हैं लेकिन खाली का देखते हैं, खाली कब तक होगा। दोस्तों आप लोग का एक सस्पेंस था कि आपका तीसरा थाली कौन है, तो आपका बहुत आता था कमेंट में, तो हम तो कुछ ऐसा बात था जो बताते नहीं थे हम, तो आज आप लोग को हम बताते हैं। चलते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं आपको बताते हैं कि आज क्या चीज, मतलब वो तीसरा थाली किसका था, कौन था। तो आपको एक चीज़ है कि आज हम अपना छोटा लड़का से मिलाने वाले हैं, और बड़ा लड़का सागर नहीं था, उसके कारण वो नहीं आता था ना ही बोलता था। तो आज आपको हम दिखाते हैं कि तीसरा थाली जो है वो पहले तो सागर था, जो सागर बोलता है, आप लोग बोलते हैं कि आपका कैमरामैन बोलता भी नहीं है, पहले सागर बोलता था अब नहीं बोलता है, तो वही है कि तीसरा थाली जो सागर नहीं था गाड़ी में, उसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम देने गया था, तो अब वो वापस आ चुका है वो एग्ज़ाम दे करके। और वो जो कैमरामैन था वो मेरा छोटा बेटा था, वो थोड़ा जो लोग उनसे मिल चुके हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो ज़्यादा बोलता नहीं, थोड़ा शर्मिला टाइप का है, तो इसी लेकर के उसका आवाज़ आप लोग को नहीं मिलता था। तो आज हम मिलाना चाहते हैं अपना छोटा बेटा से, और उसके बाद आपको सागर से मिलाते हैं। सागर आ चुका है गाड़ी में, तो ये है मेरा छोटा बेटा शुभम। ये है शुभम, देखिए लंबा तो हो चुका है हमसे भी, मैंने बाप से बड़ा ही हो चुका है ये, इसका लंबाई कुछ ज़्यादा ही है। ये मेरा सबसे दुलेरा बेटा, छोटा है, सबका प्यारा है घर में, तो यही मेरे गाड़ी में था। तभी तो ये कुछ बोलता नहीं है ज़्यादा, लड़का इसका एग्ज़ाम हो चुका था, तो इसका रिजल्ट भी आया है। कौन सा क्लास में है अभी? 11th का एग्ज़ाम दिए थे, 12th में गए। 12th में गया, तो इसका रिजल्ट भी आया, कल ही आया ना? हाँ। क्या आया रिजल्ट तेरा? फर्स्ट डिवीज़न आया। ये हर बार मतलब फर्स्ट ही आ रहा मेरा, तीनों लड़का का फर्स्ट का ही मतलब रिजल्ट आता है, अभी तक सेकंड नहीं आया। वो एक चाहे बोर्ड का एग्जाम बताइए, चाहे इसका बताइए, 12th का बताइए, 11th का बताइए, मतलब तीनों लड़का का फर्स्ट ही आया उनका। तो देखिए ये मेरा ये कैमरा मैन है जो आप लोग का पर्दा के पीछे था, मतलब ये आता नहीं था सामने बोलने में, जो इनसे मिल चुके हैं वो जानते हैं इसी तरह कि ये लड़का ज़्यादा बोलता नहीं है और थोड़ा शर्मिला टाइप का, क्यों बोलता है। दोस्तों ये सागर भी आ चुका है, वीडियो में अब वो हमेशा दिखाई देगा। और ये देखिए सागर साथ में लाया है ये मोबाइल, ये दोस्तों S22 Ultra, जिसका इंतज़ार बहुत दिन से था, वो भी आ गया हमारे पास, तो अनबॉक्सिंग अब पापा करेंगे इसका। और दोस्तों रोहित के लिए भी बहुत सारा गिफ्ट लाया है, ये सागर गिफ्ट लेकर आया, इधर आओ रोहित, ये देखिए इसका गिफ्ट, ये और भी है, बस यही नहीं और भी है, ये देखिए इसका गिफ्ट है, यही और भी है, मतलब और भी लेके आया है कपड़ा, वो आपको दिखाएंगे धीरे धीरे, आप इसको वीडियो में भी इसका कपड़ा दिखेगा, अच्छा चेंज दिखेगा। ये बहुत बोलता था कि कपड़ा चेंज करवाइए मेरा, वही ला दिए इसके लिए बहुत सारा सेट, अब देखिएगा अलग अलग कपड़े में आपको दिखेगा। और अब फोन का दोस्तों यही फोन आया है, ये देखिए यही है, ये देखिए अब इसी से आपको वीडियो बनेगा, अच्छा क्वालिटी आएगा। आप लोग का भी बहुत शिकायत था कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए करने के लिए, दोस्तों अब इसी फ़ोन से बनेगा हमारा वीडियो, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में, और अभी देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, जाते हैं इसको। दोस्तों अभी आया था तो माल क्रॉसिंग करेगा, वो आया था अभी, हमको बोल के गया कि गाड़ी साइड में लगाने के लिए, तो जगह देख के लगा रहे, जा रहे आके लगाने के लिए, तो अभी आया था माल। अब उन्हें ऊपर वाला माल तो क्रॉसिंग होगा, फिर नीचे का माल तो हम ही लेके जाना है अंदर में, तो ठीक है दोस्तों जा रहे गाड़ी लेकर के अभी वहाँ पर, अभी वो टेलर में मेरा ऊपर का माल उतरेगा, ठीक है दोस्तों जाते हैं अभी आगे। दोस्तों गाड़ी लेके आ गए हैं क्रॉसिंग कराने के लिए, ये उस्ताद है, इनका अपना गाड़ी है, ये इन्हीं के गाड़ी में माल जाता है, ये ट्रैक्टर, ये हैड्रा, इसी से क्रॉसिंग होगा माल, इन्हीं का गाड़ी में जाता है, यही मतलब हम लोग का माल ऊपर का लेके जाते हैं, ये जब भी हम लोग आते हैं इन्हीं गाड़ी में जाते हैं। और पाजी और ठीक है, अपना नाम नूम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं पंजाब में बता दीजिए थोड़ा। हमारा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है। गुरदासपुर अच्छा, और गांव है दड़ेवाली। हाँ, ये टेलर आप ही का है? हाँ हाँ, वो तो काम करना ही है, काम। हाँ सही बात है, यही सब देखिए यहाँ क्रॉसिंग का काम होता है, हम लोग क्रॉसिंग करके आधा माल ये लेके जाएंगे, आधा माल हम लेके जाएंगे। हम वहाँ इतना दूर से लेके आ रहे हैं, आधा ये ले लेंगे, वो भी चढ़ा हुआ है, रस्सा दीपाल खोल रहा है अभी, खोलने के बाद ठीक है दोस्तों करते हैं क्रॉसिंग। हाँ क्रॉसिंग करते हैं।
अब दोस्तों त्रिपाल खुल रहा है, त्रिपाल खुलने के बाद फिर गाड़ी फिर होगा, ऊपर का जो माल है वो इसी गाड़ी में फिर खाली होगा। आधा फिर ये लोग लेके जाएंगे, फिर आधा हम लोग लेके जाएंगे फैक्ट्री के अंदर। जाते हैं दोस्तों, अब त्रिपाल खुलने में थोड़ा हेल्प कर देते हैं रोहित का। दोस्तों मेरा माल क्रॉसिंग हो गया, सब ठेले में लग दिए, 20 नग है ना जी। हाँ, ये 20 नग इसमें रख दिए, अब ये लेके जाएंगे, 20 बड़ा वाला हम लेके जाएंगे। देखिए मेरा गाड़ी में आधा माल हो गया, अब वो सब, अब ये चलेंगे, हम भी चलेंगे। क्या कि कंपनी में अलाउ नहीं है ना, पहले करता था, अब कंपनी में नियम कानून चेंज होते रहता है। अब दोस्तों झारखंड में यही एक जमशेदपुर में गर्मी बहुत लगता है, बहुत गर्मी लगता है। मतलब झारखंड तो ठंडा जगह नाम से मशहूर है, लेकिन टाटा में गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता हम लोग को। हम लोग देखिए रामगढ़ में, रांची में कितना अच्छा ठंडा रहता है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब तो हो गया हम लोग का, अब हम लोग भी चाहते जल्दी टाटा से निकल जाए, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, समझे। कंपनी का चलता ज्यादा गर्मी, हाँ कंपनी बहुत है ना, भट्टी बहुत है दुनिया भर के, इसीलिए करके पानी डेली शाम को होता है, आता पानी डेली शाम को आएगा, हाँ और गिरेगा। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं अब हम। दोस्तों निकल गए यहाँ से, अब जा रहे हैं, वहीं खाली होता है कॉमिंस गेट पे, बोला तो है खाली हो जाएगा, अब जा रहे हैं। इस जगह को शायद बोलते हैं क्या, धोबी घाट करके ऐसे कुछ बताते हैं इस जगह का नाम को, मनी फीट धोबी घाट ऐसे कर कुछ है इस जगह, अभी हम पूछे उससे तो बताया वो, अब जा रहे हैं, बोल रहा है कि चले जाओ कॉमिंस गेट पे, तो जा रहे हैं, वो अब गाड़ी अंदर होने वाला है, क्या हो ही जाएगा, खाली हो जाएगा। दोस्तों गाड़ी तो ऊपर पार्किंग में ले आए हैं, देखिए पूरा गाड़ी भरा हुआ है, लगाने की जगह नहीं मिल रहा था, थोड़ा लगाए किसी तरह जगह। अब इतना मतलब गर्मी भी है ना कि खाना वाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा चले हम लोग, यहाँ कैंटीन है छोटा सा, वहीं पे चले खाना बना रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए वहीं चलते हैं, कैंटीन में क्या मिलता है देखते हैं खा पी के। अब खाने का टाइम भी हो ही गया, 1 बजने वाला लगभग, तो 1 बजने वाला है तो क्या करेंगे, चलते हैं खाना खा के आते हैं, चलो। कैंटीन में आए हुए हैं चावल खाने, चावल ही मिल रहा, रोटी तो मिल नहीं रहा, चले भाई यहाँ जल्दीबाजी में है तो खाना ही पड़ेगा जो मिलेगा, कैंटीन में खाना तो वैसे ही होता है, अब रोड का तो है नहीं लाइन होटल जो कोई भी चीज़ ऑर्डर मार, 4 प्लेट चावल के प्लेट आदमी 4 को है ना, गिन लो आदमी, आदमी मतलब गड़बड़ा जाता है, सुबह हम सुबह हम गड़बड़ा जा रहा है बार बार सुबह हम उधर 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 सुबह हम गड़बड़ा जाता है बार बार, ये गुम हो गया है सुबह, सुबह को दिखा सुबह को दही पैकेट वाला डब्बा वाला, हाँ पैकेट वाला
ये देखिए दोस्तों, आ गया हम लोग का ऑर्डर। कैंटीन का खाना जानते ही हैं, कैंटीन का खाना कैंटीन में माफिक रहता है। चलिए खाना खाया जाए। खाना खा लिया दोस्तों, अब जा रहे गाड़ी के पास, यही कैंटीन है, हो गया। अब जा रहे गाड़ी यहीं पे सामने में खड़ा है, निकल रहे बस में। आज तो गाड़ी खाली नहीं होगा, तो आज भर आराम करेंगे, फिर कल गाड़ी खाली हो जाएगा। कल सुबह जल्दी ही गाड़ी लग जाएगा, तो खाली भी हो जाएगा जल्दी, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है यहाँ पर, अब देखते हैं कब तक खाली होगा गाड़ी। ऐसे है, इससे पहले भी एक बार आए थे तो करीब तीन दिन गाड़ी नहीं खाली हुआ था, यहीं पे खड़े हो गए थे। तो अभी तो पार्किंग में खड़े हैं, इससे पहले बाहर खड़े थे, तो बहुत दिक्कत होता था यहाँ। बाथरूम का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो यहाँ पे बाथरूम है, जैसा कि अगले बार आप लोग देखे थे कि यहाँ पे ये गैस जमा किए थे, तो अब यहीं पर बाथरूम है, तो यहीं पर चले जाएँगे। सामने ही गाड़ी के बगल में ही है, अब जा रहे गाड़ी में, थोड़ा रेस्ट करते हैं। रात के दोस्तों अभी 8 बज चुके हैं और हमारा रात का खाना बनना स्टार्ट हो गया है। ये आलू भिंडी ये सब कट चुका है, इधर प्याज व्याज आटा भी सान लिए हैं। पापा भी बाहर गए हैं थोड़ा, तो रोहित अभी सब्जी बनाने स्टार्ट करेगा, फिर हम लोग दोनों मिलके रोटी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, लहसुन लाल हो गया है, प्याज व्याज डाल रहे हैं। प्याज डालने के बाद थोड़ा चलाना पड़ता है इसको। देखिए दोस्तों, प्याज व्याज भूंज रहे हैं अभी। क्या किया है, अभी जमशेदपुर में है, टाटा में, रतन टाटा, तो आज तो क्रॉसिंग हुआ है माल, कल खाली होगा। देखिए कल तो शनिवार पड़ जाएगा, तो कल खाली होगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अभी संडे में भी तो खाली नहीं होता है, एक बार मंडे, तो कल यदि खाली हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। अभी 8:30 बज चुके हैं दोस्तों और पूरा अंधेरा हो चुका है, सभी गाड़ी बाहर खड़े हैं। ये सब पार्किंग यही है टाटा कंपनी का, यही पार्किंग है। पार्किंग काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। और एक और बहुत अच्छा बात है कि इस कंपनी का, देखिए सब बाहर, देखिए बाहर ड्राइवर लोग बैठ के खाना बना रहे सारे। अच्छा जगह है काफ़ी। कल हमारा गाड़ी अंदर चला जाएगा, इधर भी सारे ट्रक खड़े हैं। और अभी सब्जी बन रहा है गाड़ी में, रोहित सब्जी बना रहा है, बस सब्जी बनने का इंतजार कर रहे हैं, फिर मिलकर रोटी बनाएंगे। हेलो दोस्तों, अभी सब्जी बन रहा है मेरा, भिंडी का सब्जी, भिंडी सीम आलू, अभी बैगन छाप कुछ कम हुआ है, तो बैगन छाप में जिंदाबाद था। ठीक है दोस्तों, अभी सब्जी बनने देते हैं, फिर रोटी बनाएंगे मिलके। दोस्तों रात के 10 बज चुका है, हम लोग का खाना ही बन चुका है। हम लोग दिन में तो बनाए नहीं थे, जो होटल में ही खाए थे, देखे थे कैंटीन का खाना कैसा होता है, खुद बनाए हैं। तो देखिए आज का खाना हम लोग का कैसा है, क्योंकि खुद बनाने में बात अलग है, कैंटीन का खाना देखने किए थे कैसा है। बोलो शुभम, कैसा है बाबू सब्जी? बोलो खाना कैसा बना है बताओ। ठीक है। देखिए भाई, इसका बड़ा भाई सागर नहीं था तो इतना दिन तक कमान संभाले हुआ था ये। अब बहुत दिन हमको तो बोलते रहा कि नहीं हमको मत दिखाइएगा, हम बोलेंगे नहीं सोने कीजिएगा, लेकिन इसका भाई आ चुका है, तो अब ये सारा चीज़ का क्लियर हो गया। आप लोग का ये बहुत कमेंट आता था कि तीसरा थाली, तीसरा आदमी कौन है, कैमरा मैन है, क्या है, तो यही मेरा कैमरा मैन नहीं है, मेरा छोटा बाबू है, मेरा छोटा लड़का है, एक लड़का और मंझला है, एक मंझला लड़का अभी बाकी है दिखाना, उसको भी दिखाएंगे। हम खुद नहीं घर 2 महीने से घर जा पाए हैं, तो कहाँ से दिखाएंगे। कोई ऐसा मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त कोई त्यौहार उहार या कुछ में जाएंगे, तो फिर वो भी मंझला लड़का भी आपको दिखा देंगे हम। तो ये छोटा लड़का है, अब ये घर जाने वाला है, ये घर जाएगा अपने मम्मी के पास। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं नाइट में। दोस्तों खाना पीना सब हो चुका है,
अब हम लोग रह गया सोने का। अब सोने का तो आदमी हो गए हम लोग चार, तीन आदमी तो कोई दिक्कत नहीं था, सो लेते थे, तीन आदमी हो गया चार। तो ऐसे गाड़ी में सो सकते थे, ऊपर में भी, ऊपर में भी सोते हैं हम लोग हमेशा, पहले भी सोते थे, गर्मी में भी सोते थे लोग ऊपर में, लेकिन थोड़ा मौसम थोड़ा गड़बड़ है, आज बारिश हुआ शाम में ना, तो थोड़ा सा गीला गीला हो गया तिरपाल वगैरह भी। तो वो जो गाड़ी है जिसपे माल क्रॉसिंग किए हैं, वो पाजी जो है झगड़ चल गए हैं, तो उन्हीं का गाड़ी पे जा कर के ये लोग दो जन जाकर सो जाएगा, ना दो आदमी है ये लोग अपना उसी सो जाएगा, सुबह हम गाड़ी अंदर होगा, सुबह खाली करेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक लिए बाय दोस्तों। रोहित वाग, अरे कहाँ कहाँ रुक जा, बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, चलो।